तू नहीं बचेगा। Financial management is. Excuse me, ma'am. Yes. Restroom. The financial management is the study of relationship which is fixed in a way. Hey, ये लाइन देखो दिखा. ठीक से भरा है ना? ये ले ये ले. हाँ. ये मुझे भी दो ना. मरे पकड़ यार. अरे अभी काम कर लेना, मुझे दो ना। अरे फट रही है। अरे एक कश्मीर वो मेरे ऊपर क्यों मार रहा है? ऊपर छोड़ दो। अरे हां दो ना। कौन है? कोई तो है। हां कोई है क्या? पता नहीं कौन है। आज मत कर, चुप रह। खोल के देख। क्या है बे? प्रिंसिपल को जाके कंप्लेन करूंगा। ये आखिरी है यार, किसी को बताना मत, दोबारा नहीं करेंगे। तुम तीसरी बार बोल रहे हो ये बात, ऊपर से दूसरों को डरा भी रहे हो और उनको सिखा भी रहे हो ये आदत। अरे छोड़ ना, तू क्यों खामखा बात को बढ़ा रहा है? अरे हाँ तो क्या कर लेगा वो, जाके प्रिंसिपल को कंप्लेन कर दे। जा जा जरा करके दिखा, उसके बाद तुझे बताते हम लोग। डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी मैडम, प्रिंसिपल ने दिया है। ओके रॉबर्ट, कृष्णा, सुनील, श्रीनिवास, तुम चारों मेरे साथ चलो।
सर, ऐसे लड़कों को कॉलेज में रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, आपको कुछ एक्शन लेना ही होगा। इनके बारे में रोज कोई ना कोई कंप्लेन आती है सर। हाँ हाँ, मुझे भी इस तरह की कंप्लेंट्स रोज आ रही है, मैं आज कोई ना कोई डिसीजन लेकर ही रहूंगा। देखो गांजे की कहीं से स्मेल आ रही है, जरा चेक करो। चलो मुंह खोलो, तुम भी मुंह खोलो। सर बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है। इन्हें क्या पनिशमेंट देनी है आप लोग सोच कर बताइए। सर, इन स्टूडेंट्स का साथ रहकर दूसरे भी बिगड़ जाएंगे, बेहतर होगा कि इन लड़कों को कॉलेज से डिसमिस कर दीजिए। सर, अगर ये लड़के यहाँ पर रहेंगे तो इनके साथ और भी स्टूडेंट खराब हो जाएंगे। हाँ, इन लड़कों को कॉलेज से डिसमिस करना होगा। इनके पेरेंट्स को बुलाओ। क्यों मैडम, ये आपका बेटा है? हाँ सर। आपके बच्चे कॉलेज में आकर पढ़ने के बजाय नशा करते हैं, आपको पता है क्या? पता नहीं सर, हमारे सामने तो इन्होंने कभी ऐसा नहीं किया सर। आज आप लोगों के बच्चे कॉलेज में गांजा पीते हुए पकड़े गए हैं, पता है? ऐसा किया इन्होंने कॉलेज में गांजा पीने आते हो? रुक जाइए मम्मी, मैं आज इन सब बच्चों को कॉलेज से निकाल रहा हूँ। एक बार छोड़ दीजिए सर, अब कभी ये बच्चे ऐसा नहीं करेंगे। देखिए ये लास्ट वार्निंग है, अगर इन्होंने दोबारा ऐसा कुछ किया तो मैं इन्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। ऐसे क्या देख रहे हो, तुम सब लोग माफीनामा का लेटर लिखकर ऑफिस में दो। इन लोगों ने मुझे धमकी दी है, मेरा खून कर देंगे ये बोला। मैं इस कॉलेज में नहीं पढ़ूंगा, मुझे मेरी टीसी दे दो। ये लोग कभी नहीं बदलेंगे सर, ये तीसरी बार हो रहा है सर। तीसरी बार भी फंसने के बाद ये लोग छूट गए, मुझे मार डालेंगे ऐसा बोल रहे हैं। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं मेरे साथ, अगर कल को कुछ हो गया मेरे साथ तो मेरी हिफाजत कौन करेगा? इसके लिए तुम जरा भी परेशान मत हो, सिर्फ तुम्हें ही नहीं इस कॉलेज में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट को मैं सुरक्षा दूंगा, मैं सीसीटीवी कैमरा लगवा रहा हूँ। आप क्या हर बार इनके पीछे बाथरूम में जाओगे? इनसे कैसे आप बाकी सारे स्टूडेंट्स की रक्षा करोगे सर? आपके सीसीटीवी कैमरा से भी ना ये लोग नहीं रुकने वाले, कुछ भी गलत होने के बाद किसने किया क्यों किया सिर्फ इतना ही जान पाओगे। इन पे भरोसा करके आप हमारी जान जोखिम में डाल रहे हैं। इस उम्र में ऐसी गलतियां होना आम बात है, लेकिन एक बार माफ करने में कोई बुराई नहीं है, गलती सुधारने का एक मौका देना चाहिए। अपनी गलती के लिए अगर इन्होंने लिखित रूप से कॉलेज से माफी मांगी तो माफ करने में क्या बुराई है? मैं सिर्फ अपने मम्मी पापा का बेटा हूँ, दूसरे किसी का नहीं, मैं सर नीचे करके खड़ा रहूंगा। इसके पेरेंट्स को बुलाओ। जी सर। इसकी फाइल निकालो। यस सर। सर इसकी मम्मी लॉयर है और पापा मैजिस्ट्रेट कोर्ट के जज हैं। ये लोग यहाँ आएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। ओ, ए, इन चारों को टीसी देकर कॉलेज से निकाल दो। चलो चलो बाहर चलो चलो चलो। मम्मी नहीं सुनता रही, मम्मी गलती हो गई, पिटवाऊंगी। कृष्णा, कृष्णा। हाँ मम्मी। जल्दी से तैयार हो जाओ, पूजा के लिए औरतें आ रही हूँ। हाँ ठीक है मम्मी, आता हूँ। अरे सुनो पंडित जी के आने का समय हो गया है, वो आते ही होंगे। पति को जल्दी से नहाने के लिए बोलो और मनोज को बोलो कि जल्दी से पुरोहित को लेकर आए, बच्चे को नहला कर जल्दी से तैयार करो। हाँ ठीक है माँ। आइए आइए। पहले जाओ और जल्दी नहा कर आओ, माँ इंतजार कर रही है। सास की चमची। ऐसा लगता है कि रात को नींद पूरी नहीं हुई है ना? एक ना। पहले जाओ जाकर ना कराओ, बाहर सब लोग पूजा के लिए वेट कर रहे हैं। हैप्पी बर्थडे मनोज। थैंक यू भाभी।
चलो बेटी जल्दी से नहा लो। भाई वो निकला है, उसे जाते हुए देखा? मैं आ रहा हूँ, तुम भी आ जाओ। हाँ ठीक है यार, मैं भी आया। ये ले मेरा 500। ए मेरा 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 ए रख बे, ये मेरा है। हेलो भाई, मनोज हम लोग के आगे ही है। अच्छा, हम लोग उसका पीछा कर रहे हैं, तुम भी जल्दी से यहाँ पहुँच जाओ। ठीक है, हम अभी आते हैं। ए मनोज मिल गया, चलो चलते हैं। अच्छा चल चल। हाँ हाँ, सारे पैसे उठा ले। रुक, ये हाँ। क्या यार, ये कैसे लोग हैं, बताओ इन्हें। अरे गाड़ी जल्दी चलाओ, क्या कर रहे हो तुम? उन लोगों को घूमने बुलाया और हमको ही लूट कर चले गए। आज उसको छोड़ेंगे नहीं। हाँ सही कह रहा है, नहीं छोड़ेंगे उसको। जल्दी गाड़ी भगा, आज तो मजा चखाएंगे। देखते हैं आज किस हाथ से निकलता है वो। पंडित जी, घर में सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी चलिए। ओ, तुम यहाँ आ गए, देर हो गई। मंदिर में बहुत भक्त आए थे ना, इसीलिए। चलो चलते हैं, बहुत देर हो गई। तुम्हारी माँ पता नहीं क्या सोचेगी। चलो मुझे कह रहा है, उसको इधर ही रोकना है। आज तो उसको देखना, आज इसको खाना खाएंगे। भाई जरा समझाए इसको तो। अरे ये लोग कौन है, ये लोग मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? अरे क्या हुआ बेटा? तुझे सब समझाते हैं। Oh!
पंडित जी। माँ जी लेट कैसे हो गए? ये क्या, ये कपड़े कहाँ से गंदे करके आ रहा है? माँ जी मंदिर से निकलने में मुझे पहले ही थोड़ी देर हो गई थी और रास्ते में कुछ आवारा मिल गए थे। हाँ माँ, इसीलिए ये सब गंदा हो गया। जा जल्दी जाके तैयार हो जा, आप भी हाथ में लीजिए। ठीक है माँ जी, नमस्कार यजमान। जल्दी तैयार हो जाइए। तुझे भी आज लेट होना था? गाड़ी लेट हो गई थी माँ जी। ठीक है अंदर जा। दीदी दीदी मनोज को देखो कितना स्मार्ट लग रहा है ना। आज उसका बर्थडे है। अच्छा हैप्पी बर्थडे मनोज। थैंक यू। मेरे दूर के रिश्तेदार है ना, उनकी बेटी है, अभी फाइनल ईयर में पढ़ रही है ये, आपके छोटे बेटे के लिए ठीक रहेगी। इसके लिए तो आपको इसके पिताजी से बात करनी पड़ेगी, और इसके पिताजी से बात करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि उस लड़की के बारे में पूरी जानकारी मांगने लगते हैं। आप लोग खुद ही पूछ लीजिए। मेरे भी रिश्तेदार में एक बेटी है, तुम कहो तो मैं शादी के लिए बात चलाऊं। विद्या विनय रूप और गुण में मेरे भाभी जैसी होनी चाहिए, ऐसा होगा तभी मैं शादी करूंगा। सब कुछ इसे भाभी की तरह ही चाहिए, तो भाभी से ही शादी कर लेना। हाँ तो मेरे भैया डिवोर्स दे देंगे तो मैं कर लूंगा। अब मैं क्या बोल सकती हूँ। ए पगले, तेरी गर्लफ्रेंड प्रिया का फोन आ रहा है। ये मेरे भैया के नंबर पे कॉल क्यों किया? तुमने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया इसलिए उन्हें फोन किया। मैंने तुमसे कल कहा था कि बार बार फोन और मैसेज मत किया करो। तुम्हें सबसे पहले बर्थडे विश करने के लिए मैं पूरी रात नहीं सोई, पता भी है क्या तुम्हें? ओके, अब मैं आता हूँ, रुको। विश यू हैप्पी बर्थडे। ओके थैंक यू, बाद में मिलते हैं। चलो केक काटो। थैंक यू। चुप जियो बेटा, खुश रहो बेटा। ए चली धरा। तेरा बर्थडे गिफ्ट है। इसमें मैं और तेरी भाभी हैं, कहीं गुम मत कर देना। आज भी आते समय तुम्हारे लिए चॉकलेट लेके आनी है क्या? हाँ चलो लेकर आता हूँ। बच्चे को उतारो, बाहर आओ बेटा। बाय बाय बेटा। आओ बेटा चलो। बाय 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 चिनू। मनोज तुम प्रिया का कॉल अटेंड क्यों नहीं कर रहे हो? भैया वो मुझे रोज रोज कॉल्स और मैसेजेस करती रहती है, फोन पे घंटों घंटों बातें करती रहती है। वो मुझे अपने साथ में पढ़ाई करने को भी बोलती है। क्यों, तुम्हें वो पसंद नहीं है क्या? पसंद है, पर वो बहुत सेंसिटिव है। तो आज उसे लेके कहाँ जाने वाले हो? मेरी चॉइस का इंतजार नहीं करेगी वो, सब कुछ वही डिसाइड करेगी। वो देखो वो रही प्रिया। बाहर जाके उसे बुलाओ तो जरा। मेरे भैया तुमको बुला रहे हैं। मैं क्या बात करूंगी उनसे, बड़े भैया बोलूं? बोलो ना, बड़े भैया बुलाऊं? ठीक है चलो। हाय भैया। हाय। कैसे हैं आप? भाभी ठीक है? हाँ हाँ वो तो ठीक है। ठीक है तुम दोनों ठीक से रहना। अच्छा सुनो, जहाँ लोग ना हो वैसा पार्क और खाली थिएटर में मत जाना, होशियार रहना। ठीक है भैया बाय। कल रात को मैंने तुमको कितने कॉल किए मनोज, तुम कितने स्लो हो ना। मैं स्लो हूँ इसीलिए तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा स्पीड आ गई है। तुम्हारा तो पता नहीं, पर मैंने तुम्हारे बारे में अपने घर वालों से बात कर ली है।
तुम्हारे साथ एक बार बात करके फिर तुम्हारे घर जाकर शादी की बात करेंगे। इतनी क्या जल्दी है उसके लिए? अगर हमारी एज ज्यादा हो जाएगी तो बच्चे होने में प्रॉब्लम होगी। तो अभी क्या तुम ओवर एज हो गई हो? तुम्हारी बात सुनती रहूंगी ना तो जरूर हो जाऊंगी। आजो। हॉस्पिटल ले चलो प्लीज। हे मनोज रुक जाओ। कृष्णा कौन से वार्ड में है? इमरजेंसी वार्ड। सर लाने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। I'm extremely sorry. मैं कुछ नहीं कर पाया, खुद को संभाल लिया। कृष्णा, 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 माँ जी, मेरी पूजा पूरी हो गई है, अब आप लोग अपना काम कीजिए। अंत नहीं होता है रिश्तों का यूं, ये तो नहीं जानते आगे क्या हो। अब तो कोई जीने का अर्थ ही नहीं। माँ जी, आप अपनी बहू को यहाँ पर मत रहने दीजिए, नहीं तो उसको बहुत तकलीफ होगी। चलता हूँ। सुनो बेटा, यहाँ मत रहो, तुम भी जाओ। होगा अब क्या, साथ तू नहीं, अब तो रोकर जीना है हमें। मर गए हम भी साथ में तेरे, करूँ मैं क्या, कहाँ गए तुम पापा।
अब याद आके जीने नहीं देती, जीना नहीं है मुझको। जालिम है रीति ये देखो कितनी, इसने तो कर दिया घायल तन मन। पहुंच गया सिंदूर मेरा अब तो, सपने सारे टूटे पल में। ये दुनिया अब तो है सुनी सुनी, बीत गए दिन वो सभी खुशियों भरे। घुट घुट कर जीना है जीवन सारा, छोड़ गया बीच सफर था जो प्यारा। क्या करूं मैं, जीऊं या मरूं क्या करूं, जीना नहीं है मुझको, जीना नहीं है। बेटी तुम यहाँ पर नहीं रुक सकती, तुम्हें यहाँ से अभी चले जाना चाहिए। तुम विधवा हो गई हो, यही प्रभु की इच्छा है। चलो चलते हैं। इस बच्ची के नसीब में यही लिखा था, मैं चलती हूँ, इसका ध्यान रखना। बेचारी छोटी उम्र में विधवा हो गई है, इतना बड़ा जीवन अकेले कैसे गुजारेगी। यशोदा, मेरा बेटा तो चला गया, पर ऐसी हालत में मैं अपनी बहू को कैसे देख सकती हूँ? ये तो बहुत छोटी है। तुम्हारी नजर में अगर कोई लड़का हो तो इसकी शादी करवा देना। मैं चाहती हूँ कि ये हमेशा खुश रहे, इसे भी तो जिंदगी काटनी है। जब से मैंने इसको आपके घर भेजा है, तब से ही आपके घर की बेटी है। बेटी जैसी आपकी बहू को आपको जो समझ है इसके साथ कीजिए। घर में शादी के लिए एक और लड़की है, उसकी भी अच्छे घर में शादी करवानी है मुझे। अगर ये घर आकर बैठ जाएगी तो आसपास के मर्दों की नजर हमारे घर पर रहेगी। मैं अपनी बेटी की सुरक्षा नहीं कर सकती। अब देखिए, इसे अगर आप बहू बनाकर भेजेंगे तभी मैं लेकर जाऊंगी। अब ये आपकी जिम्मेदारी है। हम लोगों को कॉलेज से बाहर निकलवाया ना, आने दे उसको, देखते हैं उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको उससे सबक सीख लेंगे। देख देख आ गया वो, देख आ गया। इसको इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे हम। साहब बोल रहा है तो अच्छा सबक सिखा के रहेंगे इसको। हमें निकलवाया ना कॉलेज से। अभी देखना। शाबाश मेरे दोस्त, शाबाश भाई, शाबाश।
नालायक है। अशुद्ध कर दिया, देख कर नहीं चला सकते क्या तुम लोग? तुम्हारी आवारागति बढ़ती जा रही है। अरे मर जाओगे तुम लोग, तुम लोगों का कभी उद्धार नहीं होगा, तुम लोग मर जाओगे ऐसे ही। क्या किया मैंने? चल चल, दोबारा ऐसा मत करना, समझाना? राक्षस कहीं के तुम लोगों का कभी उद्धार नहीं होगा, मरोगे। तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं, पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगा, समझ लेना। तुम लोगों को जेल में डलवा कर रहूंगा मैं। चल जा जा। चल। मनोज जाकर अपनी भाभी को देकर आ। ए माँ, ये क्या है माँ? जब देखो तुम मेरे बारे में ही सोचती रहती हो, आखिर अपने बारे में कब सोचोगी बताओ तो? ऐसे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। देख बेटा, बच्चों की खुशी में ही तो माँ बाप की खुशी होती है। तुम लोग सदा खुश रहो, यही तो हमारी इच्छा है। माँ, माँ, मैं हूँ माँ, भैया नहीं है माँ। जा बेटा, अपनी भाभी को ये चाय। ठीक है माँ। भाभी, भाभी, सर प्लीज बी सीटेड। थैंक यू सर। ये रही एक्सीडेंट रिपोर्ट। बेटा पापा गुलाब लो। साहब जी कब आएंगे? साहब अभी आते ही होंगे, यहां बैठ के इंतजार करो। बाप रे, सर सर मैं अंदर जा सकता हूँ? हम कंप्लेंट लिख रहे हैं आपको, जिन्होंने मारा पुलिस वाले उन्हें पकड़ने गए हैं। साहब आएंगे तो डिटेल में बताना। जैन सर, चलो साहब आ गए, चलो अंदर। हाँ फाइल देना। क्या है इनका? सर इनके एरिया में चार लड़के इन्हें परेशान करते रहते हैं, इसी बात की कंप्लेंट करने आए हैं। लेकर आओ उन्हें। कुछ लोग गए हैं सर उन्हें लाने के लिए। हमने कुछ नहीं किया सर। हाँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। अच्छा ये। अरे रे। क्यों बच्चों, तुम पंडित जी को
क्यों परेशान कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? ज्यादा चर्बी चढ़ गई है तुम लोगों पर? मुझे कुछ पता ही नहीं है सर। हमने कुछ भी नहीं किया सर। सुनिए पंडित जी, ये वही लड़के हैं जिन्होंने आपको मारा था और कीचड़ में गिराया? हाँ हाँ सर, यही लोग हैं। इनको क्यों मारा तुमने? हमने किसी को नहीं मारा सर, हम नहीं तो कोई और होगा। क्या ये सच बोल रहे हैं पंडित जी? झूठ बोल रहे हैं ये सब। सर मैंने अपने घर के सामने अपनी गाड़ी खड़ी की थी, इन्होंने उसकी हवा निकाल दी सर। मैं घर से बाहर निकला पूजा करने जाने के लिए, इतने में ये चारों लोग वहाँ पर आए और मुझे जमीन पर गिरा कर मारा सर, मुझे कीचड़ में गिरा दिया। मैंने जब इन लोगों से पूछा क्यों मार रहे हो, तो इन्होंने मुझे और मारा सर। मैं इनसे छोड़ने के लिए गिड़गिड़ाता रहा लेकिन ये मारते रहे मारते रहे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप जाइए जी। धन्यवाद। इनको लेकर जाओ और खातिर करो इनकी, अकल आएगी इनको। ए चलो सर, सर, चलो चलो सर, 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 चलो चलो सर, चलो सर, सर, चलो छोड़ दीजिए सर, इनका क्या करें सर, जिसको देखो परेशान कर रहे हैं। चार बेल्ट पड़ेंगे तो समझ में आ जाएंगे कैसे कपड़े पहने इन्होंने। ए आज चले जाइए, सुना नहीं क्या? चल कपड़े निकाल, छोड़ दो सर, चल निकाल, चल कपड़े निकाल, चल 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 निकाल। हाँ बोलो। नहीं सर, बाप रे, नहीं सर, माफ कर दीजिए सर। ए चल उठ, चल उठ, जल्दी कर। चलो सर, सर जल्दी बोलो ना। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं कसम खा के कहता हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ सर। वो मैं नहीं हूँ, वो कोई और होगा सर, हमने उस पंडित को नहीं मारा, मैं कसम खा के कहता हूँ सर। ये क्या फालतू बात कर रहा सर, ए सही से बताना। वो कोई और है सर, आप हमें बेकार में उठा कर लेकर आ गए। ये नहीं है सर, वो लड़का सीनू है। वो कहाँ रहता है? पता नहीं सर, वो कहाँ रहता है? ए चल बता हमें, हम लोग वो नहीं है सर, वो लड़का सीनू है। चल यार, चल जल्दी, चल तू भी उठ। नहीं सर, चल चुपचाप, चल जल्दी सर, सर प्लीज चल, चल चुपचाप सर, प्लीज सर। भाई सुनना, कैसे मारा, लेटा के मारा या खड़े करके मारा या फिर उल्टा लटका के मारा है, बताना। टेंशन मत ले यार, ज्यादा जोर से नहीं मारे, अब थाने में इतना तो मारेंगे ही ना। चल बैठ जा, चले चल चले चल चल चल, आ जा सर, चल चल बांध सर इसको। मैंने कुछ नहीं किया सर, चल मारो, खोल, अरे चल जल्दी कर, उठ उठ, चल उतर जा, चल चल बैठ बैठ जा चुपचाप। हाँ, सर मुझे छोड़ दीजिए सर, ये वही है। सर, मैंने कुछ पंडित को मारा था। कहाँ गया था तू? हाँ सर ये वही है। भाग गया था क्या? नहीं नहीं सर, कपड़े निकाल ले सर तुझे। चल कपड़े उतार, कुछ नहीं किया। नहीं सर, उतार कपड़े सर, सर सर छोड़ दीजिए। चल उठ, चल उठ, चल चल उठ, चल चल चल, आ जा सर, लेके जाओ इसको सर, इनकी साइन लेके इनको छोड़ दीजिए। चलो जल्दी यहाँ साइन करो। साइन करो। अरे बाप रे। हाँ चल जाओ। अरे बाप रे। क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए बोलो। मुझे मेरी भाभी चाहिए। तुम पढ़ाई करो, मैं कॉफी बनाकर लाती हूँ।
पैसे चाहिए क्या तुम्हें? कितने चाहिए, कितने चाहिए बताओ ना। मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो फिर ट्रिप पर जाने के लिए परमिशन चाहिए ना तुम्हें? फिर और क्या चाहिए? मेरे साथ प्यार से बात करने वाली मुझे अपनी भाभी चाहिए। मुझे पूरे घर में खुशी से झूमने वाली मेरी पुरानी भाभी वापस चाहिए। क्या मुझे मेरी पुरानी भाभी वापस मिलेगी? माँ, मरे हुए वापस नहीं आते ना। जो हमेशा के लिए चले गए उनके लिए इतना क्यों परेशान होना? अब भाभी को तुम्हें समझाओ ना माँ, हम भैया की तरह उन्हें बहुत खुश रखेंगे। राजेश्वरी, अगर वो यहाँ रहेगी तो पागल हो जाएगी। उससे बोलो कि कहीं बाहर घूम के आए, थोड़ा मन बदलेगा तो अच्छा लगेगा। उन दोनों को घूम के आने दो। और हाँ, पंडित जी को फोन करो और उनको आने के लिए बोलो। जैसा आप कहें। माँ जी, मैं आपको कुछ फोटो दिखाता हूँ, देखिए। हाँ। इसका नाम महेश है, 40 साल का है। रही हो, तुम्हारे बच्चों ने मुझे कीचड़ में गिरा गिरा कर मारा था। किसी शरीफ आदमी को इस तरह रास्ते में मारना चाहिए क्या? मेरे बच्चे छोटे हैं, गलती हो गई इनसे। इसके लिए क्या तू पुलिस में कंप्लेंट करेगा? मुझसे ज्यादा जानता है क्या तू पुलिस को? रुक, तुझे बताती हूँ। ये ले, सुअर का मूत पी। अबे पीना, तू? अबे मर गया क्या? अभी जाने दे इसको, छोड़ दे हरामी को। अबे इसको समझ ले, हट, चल निकल, निकल, तो मारूंगा। अगली बार मिलना तो काट डालूंगा, चल निकल। तुम्हारे बच्चों की जिंदगी अगर नरक नहीं हो गई ना, तो मैं भी शिव भक्त नहीं, समझ लेना। चल चल निकल, जाओ, तुम्हारा सर्वनाश होगा। अरे जा जा, तेरे जैसे बहुत से भक्त आते हैं मेरे पास। हेलो। हेलो, सीधे मेरे घर ही आ जाओ, फिर हम यहीं से चलते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। अब परमात्मा। सुशीला, कॉफी लेकर आ। अब आप लोग आपस में बात कर लीजिए। आपके बच्चे तो नहीं है ना? नहीं। शादी हुए कितने साल हो गए? 8 साल हो गए। तुम्हारी पत्नी का तुमसे किस वजह से डिवोर्स हुआ था? मेरे और मेरी पत्नी के बीच बनती नहीं थी, मेरे मम्मी पापा से झगड़ा करती थी। तो फिर दोबारा शादी क्यों करना चाहते हो तुम? मेरे लिए मेरी मम्मी पापा सब कुछ हैं। मैं अपने म्यूजिक प्रोग्राम की वजह से बाहर आता जाता रहता हूँ। मेरे मम्मी पापा का ख्याल रखने वाला कोई चाहिए, इसीलिए। मतलब घर संभालने के लिए एक नौकरानी चाहिए तुम्हें, इसीलिए तुम शादी करना चाहते हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पैसा खर्च करोगे तो बहुत से नौकर मिल जाएंगे, महीने की तनख्वाह दोगे तो नर्स भी आ जाएगी, फोन किया तो डॉक्टर भी आ जाएंगे, घर में पुलिस भी आ सकती है, फिर पत्नी क्यों चाहिए तुम्हें? ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। ए, बकवास मत कर, बुरा मत मानिएगा, ये मेरा छोटा बेटा है। अब आप लोग लड़की को बुला लीजिए, ये लोग आपस में मिलकर बातचीत कर लेंगे। राधा, तुम ऐसे क्यों खड़ी हो बेटी? तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? क्या हुआ बेटी, क्या बात है? मुझे शादी नहीं करनी है माँ, मेरे सास ससुर हैं, मनोज भी तो है, मेरे लिए मेरी बेटी है, बस इतना काफी है। आखिरी दम तक इन लोगों को देख देख कर मैं जिंदा रह लूंगी। ऐसे मत बोलो बेटी, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, इस स्थिति में तुम्हें ये सब समझाना मुश्किल है, लेकिन जब तू अकेली होगी तब तुझे अपने पति की याद आएगी बेटी, ऐसे में तुझे बहुत तकलीफ होगी। देख सुन, बाहर सब तेरा इंतजार कर रहे हैं, तैयार हो जा,
सब ठीक हो जाएगा, भगवान सब अच्छा करेंगे। आजा। राधा बेटी, यही लड़का है, देख लो। अब आप लोग आपस में थाली बदलने की रस्म कर लीजिए। हाँ, 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 बिल्कुल। क्या हो गया है तुझे मनोज? तू पागल हो गया है क्या? मैं शादी को नहीं मानता, मैं भाभी को दूसरी शादी नहीं करने दूंगा। इसका भाई तो चला गया, अब भाभी भी घर छोड़कर चली जाएगी, इसीलिए ये शादी नहीं करवाना चाहता। आप लोग चिंता मत कीजिए, कार्यक्रम चालू रखिए। मेरी भाभी इसी घर में रहेगी, मैं भाभी की दूसरी शादी नहीं होने दूंगा। चीनू और भाभी मुझे दोनों चाहिए, मुझे मेरी भाभी चाहिए चाहिए चाहिए। इस नासमझ की बातों का बुरा मत मानिए, एक अच्छा सा दिन देकर मंदिर में शादी करवा के राधा को विदा करूंगी। जैसा आप ठीक समझे। नमस्कार। चलिए चलो। अरे बड़े लोगों के सामने तू बड़ी बड़ी बातें करके अपने आप को बड़ा समझ रहा है? मैं बड़ा नहीं हुआ उमा, बल्कि अब आपकी सोच छोटी होती जा रही है। भैया नहीं रहे, भाभी के साथ बच्चा भी जाएगा। भैया के जाने के बाद आप भाभी की दूसरी शादी करवा रहे हो, मैं अपनी भाभी और भतीजी दोनों खो दूंगा। मुझे अपना कहने वाला कौन होगा? भाभी के जाने के बाद मैं अपनी तकलीफें किससे कहूंगा? भाभी के बिना ये घर सूना हो जाएगा। कब तक तू अपनी भाभी को घर में रख पाएगा? तेरे भाई के जाने के बाद उसकी याद में वो परेशान होकर घर छोड़कर चली गई तो तू उसको कहाँ कहाँ ढूंढता फिरेगा, ये बता मुझे। अब मैं तुझे कैसे समझाऊं मनोज? मैं स्टूडेंट हूँ माँ, सारी बातें समझता हूँ। अगर दूसरी शादी करनी ही है तो मैं शादी करूँगा भाभी से। मैं स्टूडेंट हूँ माँ, सारी बातें समझता हूँ। अगर दूसरी शादी करनी ही है तो मैं शादी करूँगा भाभी से। भाई जितना सुख मैं दूंगा उन्हें। हे भगवान, कैसी बातें कर रहे हैं? निकल यहाँ से, निकल। तेरी इतनी हिम्मत, तू अपनी भाभी से शादी करेगा? अरे तुझे अपने राजेश्वरी, गलती क्या कर रही हो? घर की दुनिया से इसकी कोई फिक्र नहीं है। राजेश्वरी छोड़ो। आर यू मैड? क्या बोल रहे हो तुम? पता भी है तुमको? मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। अगर भाभी की मौत हो गई होती तो क्या इस लड़की से भाई की शादी नहीं करवाते आप? लड़के की पत्नी मर जाए तो उसकी शादी लड़की की बहन से हो सकती है। अगर वैसे ही लड़का मर जाए तो उसकी पत्नी की शादी उसके भाई से नहीं करवा सकते? आज से तू मेरे लिए हमेशा के लिए मर चुका है। इस घर से निकल जा, इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। अगर तू गलती से भी मुझे दिख गया ना तो तेरे खाने में जहर मिला के मार डालूंगी। अभी के अभी निकल जा यहाँ से, निकल जा। नहीं जाएगा? रुक, मैं तुझे बताती हूँ। आज के बाद अपना मुंह मत दिखाना। निकल 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 यहाँ से। अच्छा तुझे समझ में नहीं आ रहा? निकल। भीड़ की तरह खड़ा है तू, ऐसे नहीं मानेगा। अरे राजेश्वरी रुक जा, जा यहाँ से, बोल रही हूँ जा 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 जा। मेरे नजरों के सामने मत आना, मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहती। माँ माँ दरवाजा खोलो, माँ 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 दरवाजा खोलो, माँ माँ माँ। भाभी 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 दरवाजा खोलो, भाभी भाभी। माँ माँ दरवाजा खोलो, माँ माँ दरवाजा खोलो, माँ माँ दरवाजा खोलो, माँ। अरे मैंने कहा था ना कि मेरी नजरों के सामने मत आना, जा जा, नहीं तो मैं तेरे को मार डालूंगी। मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है जिससे आपका सर नीचा हो, और मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तुम्हारे दिखाए हुए रास्ते पर ही चल रहा हूँ। अरे पागल कहीं के, तू उससे शादी करना चाहता है? कभी उससे पूछा है वो तुझसे शादी करेगी कि नहीं? एक लड़का अगर अपने से कम उम्र की लड़की से शादी करता है तो समाज उसके लिए कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन एक औरत अगर अपने से छोटी उम्र के लड़के से शादी करे तो उसको समाज गाली देता है। उसके लिए कैसे मुंह खोलकर बोलते हैं? माँ देख, अगर कुछ और देर तू यहाँ पर रुका ना तो मैं खुद को मार डालूंगी। चला जा यहाँ से, जा बोल रही हूँ, जा।
जोश मिलना होश खोना कब क्या होगा क्या पता अम्मा अम्मा आगे क्या होगा तुझसे मेरा जन्म का रिश्ता चलो ना डरो मत आ जाओ ए ये कौन है पता नहीं चला माँ ये आपका दामाद बनेगा मनोज हाँ तो क्या हुआ इसे यहाँ क्या कर रहा है माँ इसके घर में एक प्रॉब्लम हो गई है माँ और बेटे में झगड़ा हो गया है इसलिए मैं इसे यहाँ लेकर आई खाने के लिए कुछ बना दो माँ ठीक है इसके नहाने का इंतजाम कर दो मैं जाके खाना लगाती हूँ जल्दी चलो ना अब तुम नहा लो जाकर तब तक मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आती हूँ ओके ना फिलहाल तुम ये कपड़े पहन लो बाद में चलकर नए कपड़े ले लेंगे करने का मन नहीं हो रहा है क्या तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट नहीं है मैं बता रहा हूँ मैं अपनी भाभी के साथ ही शादी करूंगा क्या हुआ बेटा क्या हुआ बताओ ना आओ बेटा खाओ ना बेटा गेट अप आइसे और निकल जाओ मेरे घर से अरे क्या हुआ तुझे बेटा तुम बैठ जाओ खाना खाओ तुम मैं कह रही हूँ इसे यहाँ से निकालो मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी क्या हुआ झगड़ा क्यों कर रही हो तुम खाना खाओ ना बेटा चलो खाओ क्या हो गया पापा पहले इसको घर से बाहर निकालिए वो खाना खाकर चला जाएगा बेटी ए, निकल जाओ मेरे घर से चल उठ यहाँ से निकल जा यहाँ से तुझसे ही कह रहा हूँ जा यहां से मुंह क्या देख रहा है जा यहां से जा इस घर में वापस मत आना कैसे ढूंढूं कहां ढूंढूं गली गली भटकूं मैं तेरे लिए अम्मा अम्मा तुझसे बड़ा ना कोई
ऋण तेरा मरते दम तक उतरना। जाओ देखो कौन है। जब देखो शीशे के सामने बैठी रहती है। तुम्हारा दोस्त है। कौन? मनोज। क्या मनोज है? क्या सरप्राइज दिया तुमने, बिना फोन किए ही आ गए। अरे क्या हुआ यार, तुम इतने उदास क्यों हो? कुछ दिनों तक क्या मैं तुम्हारे घर रह सकता हूँ? इसमें पूछने की क्या बात है, तुम मेरे साथ रुक सकते हो। आ जाओ बैठो, मैं जूस लेकर आता हूँ। तुम में जरा सा भी अकल नहीं है क्या? घर में आए लोगों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए तुम्हें इतना भी नहीं पता है क्या? लोग तुम्हारे बारे में आखिर क्या सोचेंगे बताओ? वो लोग तो तुम्हारे अच्छे दोस्त है ना, अगर तुम्हें अपने दोस्त पर भरोसा ही नहीं तो फिर दोस्त क्यों बनाते हो? और दोस्त की बहन को गलत समझने वाले दोस्त को घर पर क्यों बुलाया? तुम जैसा बर्ताव कर रही हो इससे मेरे दोस्त को ही नहीं किसी को भी बुरा लग सकता है, समझ गई ना? कौन क्या समझता है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। दोस्त की बहन को बहन ही समझना चाहिए। अच्छा बताओ मैं अच्छी लग रही हूँ या नहीं? मैं सच कह रहा हूँ, तुम सच में बहुत अच्छी लग रही हो। बताओ तुमने कभी बोला है क्या कि मैं अच्छी लग रही हूँ? कभी तारीफ नहीं की, और तो और अपने दोस्तों के सामने भी नहीं कहा कि मैं अच्छी लग रही हूँ। बोलो कभी बोला है? तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि मैं अच्छी हूँ या नहीं बताओ। मनोज कैसे हो बेटा, बैठ जाओ। ये तो बस यही चाहती है कि लोग इसकी खूबसूरती की तारीफ करें। संतोष मनोज ने खाना खाया? पता नहीं, बस इसने कहा कि मुझे कुछ दिन यही रहना है तो मैंने कहा तुम मेरे साथ मेरे रूम में रह सकते हो। काव्या हाँ? ये फाइल अंदर रख दो और मनोज के लिए खाना लेकर आओ। हाँ ठीक है। खाना खाओ बेटा। मनोज जो मैं कह रही हूँ उसका बुरा मत मानना बेटा, तुम्हारा मेरे घर में रुकना ठीक नहीं रहेगा। तुम्हारी मम्मी के रिकमेंडेशन से ही मुझे केसेस मिलते हैं, तो मेरे घर पर हो अगर ये बात उन्हें पता चल गई तो तुम्हारी मम्मी मुझे केस नहीं देंगी। ऐसा करो कहीं पीजी में रुक जाओ, उसका किराया मैं दे दूंगी। आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है या मेरी मम्मी के डर से ऐसा कह रही हैं आप? छी छी ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। मुझे अपनी बेटी की उम्र पर बिल्कुल भरोसा नहीं। अगर आप अपने बच्चों पर भरोसा नहीं करोगी तो और लोग कैसे करेंगे भरोसा। मैं चलता हूँ अब। अरे मनोज कुछ खा तो लेते बेटा। जो घर मेरा नहीं है वहाँ पानी भी नहीं पीना चाहिए, ऐसा माँ कहती है। ड्राइवर आया मैडम। ये जहाँ जाना चाहता है इसे वहाँ जाकर छोड़ दो और इसे पैसे भी दे देना। ओके मैडम। बैठिए बैठिए सर। सर कहाँ जाना है आपको? कहीं भी ले चलो यार, कोई ऐसी जगह जो किसी को पता ना हो, ऐसी जगह ले चलो। ओके सर। केस की फाइल ले ली है ना तुमने? नमस्ते नमस्ते मैडम। नमस्ते। बैठिए बैठिए। रेणुका मैडम इनकी केस फाइल देना। आप लोगों में से योगेश कौन है? मैं हूं मैडम। तुम्हारी पत्नी का क्या नाम है? पद्मावती। ये है क्या? हाँ जी मैडम। शादी को कितने साल हो गए? 7 साल हो गए मैडम। कितने बच्चे हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ आपके कितने बच्चे हैं?
यही एक बच्ची है मैडम। ये है, इसका नाम क्या है? आपकी पत्नी आपसे डिवोर्स मांग रही है, आप इनका ठीक से ख्याल नहीं रखते। मुझे मेरी बीवी चाहिए, अब मैं उनका ठीक से ख्याल रखूंगा, मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए मैडम। आपके पति आपसे डिवोर्स लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप इनके साथ क्यों नहीं रहना चाहती? देखिए, बिना किसी ठोस कारण के डिवोर्स नहीं होगा, इसलिए आपको अपने पति के साथ ही रहना होगा। ये मुमकिन नहीं है, मैं मर जाऊंगी पर इनके साथ नहीं रहूंगी। मुझे इनके साथ नहीं रहना है, जिसको बच्ची का नाम तक नहीं पता, मैं उसके साथ कैसे रह सकती हूँ? मेरे भाई का दिमाग खराब करके उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहती है, मैं इसे अपने भाई की जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगा। पापा पापा, मम्मी रो रही है, उन्हें घर लेकर चलो। ठीक है बेटा, चलते हैं चलते हैं। आपके भाई जो बोल रहे हैं वो सच है क्या? झूठ है, मेरा भाई 2 साल पहले घर छोड़कर चला गया था, वापस ही नहीं आया। गांव के सारे लोग पति को भगा दिया, ऐसा वो सब लोग बोल रहे थे और ऐसी गलत गलत अफवाहें फैला रहे थे, इसीलिए इसने आत्महत्या करने की कोशिश की, तब मैंने इनको बचाया। अगर इनके बारे में कोई खराब बोलता था तो मैं इनके साथ शादी करूंगा, ऐसा बोलता था ताकि उनका मुंह बंद हो जाए। दुनिया जो बोलती है उन्हें बोलने दो, ये समझाकर मैं इन्हें घर लेकर आया। तब से सारे गांव वाले हम दोनों को पति पत्नी ही समझ रहे हैं। मैडम, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ बच्चे के सामने हम लोग पति पत्नी जैसे रहते हैं और वो नाम लेकर बुलाता हूँ, बस इतना ही मैडम। बीवी और बच्ची को बिना बताए इस तरह घर छोड़ के चले जाना वाकई में गलत बात है। इन्हें इन सबका जवाब देने दो। इतने दिनों तक मैं सिर्फ अपनी इज्जत की खातिर ही चुप थी, पर अब कह रही हूँ। जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मेरी छोटी बहन मेरी देखभाल कर रही थी, ये उसे लेकर भाग गया और 6 साल बाद वापस आया, और अब इसको बीवी चाहिए। मेरे अलावा मेरी बहन के भी इससे 2 बच्चे हैं, अब उन बच्चों का क्या होगा? बीच में तकरीबन 6 साल गुजर गए, अब जाके ये बातें याद आ रही है? चाहे मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए पर मेरी बहन की जिंदगी ठीक रहे, इसीलिए मैं चुप रही। अच्छा तो रामू, तुम्हारी भाभी तुम्हारे भाई के साथ नहीं रहना चाहती, ऐसे में क्या तुम अपनी भाभी की देखभाल कर लोगे? ये मुझसे उम्र में बड़ी हैं, इनको मुझसे ज्यादा दुनिया के बारे में पता है, ये मुझसे ज्यादा समझदार हैं, ये जैसा और जो भी कहेंगी वही मैं करूँगा। देखो, दुनिया वालों के बारे में सोचना बंद कर दो और वही करो जिससे तुम लोगों को खुशी मिले और सुखी रहो। आप जो कर रही हैं वो गलत है मैडम, मुझे मेरी पत्नी से अलग कर रही हैं, आप ये ठीक नहीं कर रही हैं। इस केस का फैसला आप कोर्ट में होगा। सुनो, चुपचाप बैठो तुम। अपनी पत्नी और बच्ची को अकेला छोड़कर अपनी साली को लेकर तुम यहाँ से भाग कर चले जाते हो और फिर उससे शादी भी कर लेते हो, सही है ना? तुम अगर इसकी छोटी बहन से शादी कर लेते हो तो ये तुम्हारे छोटे भाई के साथ शादी क्यों नहीं कर सकती? अब आइंदा तुम इसे कभी तकलीफ नहीं दोगे, ऐसा डिवोर्स पेपर पर लिख कर दो, उसके बाद तुम लोगों का रिश्ता पूरी तरह से खत्म, समझ गए? देखो रामू, अपने भाई की तरह मत करना, इनको खुश रखने की कोशिश करना। चलता हूं मैडम। ठीक है मैडम। अरे क्या हो गया? भगवान, कितना एक्सीडेंट हुआ है? तो बस अचानक से आया यहाँ पर। अरे कितना बड़ा महल है। क्या हुआ वहाँ? इतनी भीड़ क्यों है वहाँ? कुछ नहीं सर, एक्सीडेंट हो गया, कुछ लोग मर गए। ओह अच्छा। सर शहर के बाहर तो आ गए, लेकिन जाना कहाँ है? मैडम नमस्ते। नमस्ते, ये लो। यहाँ पर साइन कीजिए। घर के प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए तो ही मैं कोटा पाऊंगी। हाँ, तुम सब कुछ संभाल लेना। हाँ। आर्गुमेंट करने वाली केसेस की डेट ले लेना। शादी होने के बाद
केसेस अटेंड करूंगी। जहाँ भी आप जाती हैं, मुझे साथ में लेकर जाती हैं। क्यों उसे समझ आए, अपनी गलती मान ले, उसे समझने दो। आप हमेशा यही कहती हैं। आपके दिखाए रास्ते पर ही चल रहा है आपका बेटा। वही तो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। छोटी उम्र में ही बड़ी बड़ी बातें उसे बताई, यही गलत हुआ। ज्यादा लाड़ प्यार की वजह से उसने मेरा ही सर नीचा कर दिया। मैडम, आपके बताए रास्ते पे ही चल रहा है वो। अगर आप ही उसे गलत कहेंगी तो उसकी गलती उसे कैसे समझ आएगी? मैडम, अगर आप मेरी बात का बुरा ना माने तो आपसे कुछ कहूँ? हाँ बताओ ना। हमने ऐसे कितने केस देखे हैं और उनके लिए आर्ग्यू भी किया है, केस जीते भी हैं। अगर ऐसा अपने खुद के घर में हो रहा हो तो फिर हम लोग क्यों अपने बच्चों की बात नहीं मानते? मैडम, बच्चे चाहते हैं तो उनकी शादी कर दीजिए। बहू भी घर में रहेगी और बेटा भी घर में रहेगा, पहले की तरह अब भी बहू बन के रहेगी। मनोज इसे पसंद करता है, लेकिन इसे भी तो पसंद होना चाहिए। ऊपर से मनोज इससे 2 साल छोटा है। हम लोग तो दोनों पक्ष की राय लिया करते हैं। अब राधा को भी तो अपना पक्ष रखना होगा। इसके पसंद को बिना जाने एक छोटे से लड़के से इसकी शादी कैसे करवा दें? अब मनोज के पास तो दिमाग नहीं है। जोश में आकर कह रहा है कि मैं भाभी से शादी करूंगा और मैं भी सही डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ। राधा की शादी कहीं और हो जाए तो कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। तब तक के लिए अगर मनोज घर ना आए तो ही ठीक है। ठीक है मैडम, मैं चलती हूँ, बाय। ठीक है। आए है राजा धोना। कुछ देना मेरे को। ए चिकने, अरे बिल्कुल हीरो लगता है रे तू। अरे मेरे को कुछ देना। अरे ये चैन मेरे को देना, तू अपने बॉयफ्रेंड का गिफ्ट समझ के पहनूंगी मैं। ऐसे क्यों बैठा है? ऐसे उदास रहेगा तो कैसे काम चलेगा? मैं नहीं रहा पर तेरी भाभी तो है ना, वो क्या तेरे लिए पराई हो गई? अल्लाह के नाम पे दे दे भाई। पागल है क्या रे?
नमस्ते। नमस्ते। लड़के वाले ये चाहते हैं कि शादी बहुत धूमधाम से हो, मेरी इच्छा है कि इनको मौका दिया जाए। इस शादी में ज्यादा लोगों को नहीं बुला सकते पंडित जी, मैडम आ रही हैं, वही फैसला करेंगी। नमस्ते। राजेश्वरी, मेरा एक जजमेंट है, मैं जा रहा हूँ। नमस्ते माजी। नमस्ते, नमस्ते। कौन है ये? माजी प्रिंटिंग प्रेस वाले हैं, लग्न पत्रिका छापने के लिए ऑर्डर लेने आए हैं। लड़के वाले कह रहे हैं कि शादी थोड़ी धूमधाम से हो, इसीलिए। राधा जरा कॉफी लेकर आना बेटी, शादी का कार्ड प्रिंट करवाने के लिए हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, और ऊपर से ये राधा की पहली शादी नहीं है, हफ्ते भर में शादी हो जानी चाहिए, नहीं तो समस्या बढ़ सकती है। आने वाले शुक्रवार को शिव मंदिर में सिंपल तरीके से शादी करवा के रजिस्टर ऑफिस में साइन करके सारे फॉर्मेलिटीज के बाद राधा को विदा करूंगी, फिर वो तुम्हारी धर्म पत्नी है, तुम उसे अपने घर ले जाना। इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि ये शादी जल्दी हो जानी चाहिए। हाँ अच्छा, कॉफी पीकर जाना। राधा कॉफी देकर वहीं खड़ी रहना, और अगर कुछ पूछे तो जवाब देना। पंडित जी, इनके साथ एक फोटो ले सकता हूँ? उसमें चिंता की क्या बात है। राधा बेटी, हमारा लड़का तुम्हारे साथ एक सेल्फी लेना चाहता है, तुम इसके साथ एक सेल्फी ले लो। हाय, एक सेल्फी ले सकता हूँ? कैमरा की तरफ देखिए ना, स्माइल कीजिए। ओके, थैंक यू, मैं चलता हूँ। क्या कर रहे हो? तुम तो लॉयर राजेश्वरी मैडम के बेटे हो ना? हाँ। चलो मेरे साथ। तुम्हारी माँ राजेश्वरी देवी नहीं होती तो मैं और मेरा पूरा परिवार आत्महत्या कर चुके होते, अब तक इस दुनिया में नहीं होते। आओ बेटा, क्या देख रहे हो? ये तुम्हारी माँ का दिया हुआ सब कुछ है, अंदर आओ बैठो। ये हमारे लिए भगवान जैसी हैं, इसीलिए उनकी फोटो लगाई है। तुम यहाँ आए मुझे बहुत खुशी हुई। क्या लोगे बोलो, चाय या कॉफी? बहुत भूख लगी है मुझे, खाना खाऊंगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है। ए मंजा। हाँ। एक खाना लेकर आओ। अभी लाया सर। पानी पी लो बेटा। तुम्हारे भाई की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, पेपर में पढ़कर बहुत दुख हुआ। अच्छे लोग ही दुनिया में हमेशा दुख झेलते हैं। मैंने भी फाइनेंस कंपनी से कर्जा लेकर ये दुकान और अपना मकान बनवाया। उन लोगों ने मुझे भी ना बताए ही वो सब अपने नाम करवा लिया था। उन लोगों ने सिविल कोर्ट से ऑर्डर लाकर मेरे घर का सारा सामान बाहर फेंक दिया और हम लोगों को रोड पर ला दिया। तभी एक जानने वाले ने कहा कि वकील राजेश्वरी देवी से मिलो। मैं जब मिलने गया था तो मेरे पास फीस देने के लिए एक पैसे नहीं थे। ऐसे समय में उन्होंने मेरा केस लड़कर हाई कोर्ट से जीत दिलवाई और मुझे न्याय दिलवाया था। वो न्याय की देवी हैं। ये लीजिए सर, खाना खाओ बेटा। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगा और तुम्हारी माँ से बात भी करूंगा, वैसे भी उनसे बात किए हुए बहुत दिन हो गए। मैं गलत हूँ, इसीलिए मेरी माँ ने मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया। लॉयर राजेश्वरी देवी का बेटा कुछ गलत करेगा, ये क्या बोल रहे हो तुम? वो मुझे नहीं पता, अगर बीवी मर जाए तो पति बीवी की बहन से शादी कर लेता है, और पति मर जाए तो पत्नी पति के छोटे भाई से शादी करे, तो क्या गलत है? मेरे भाई मेरी भाभी को बहुत खुश रखते थे, लेकिन मेरे भैया की मौत हो गई, और अगर भाभी भी घर से चली गई तो हम क्या करेंगे? मैंने कहा मैं भाभी के साथ शादी करूंगा, तो इसमें क्या गलत है? ए मंजा, इसको बाहर फेंक दे और टेबल साफ कर दे। साहब ने तुम्हें जाने के लिए बोला, चलो निकलो यहाँ से। अरे मुझे क्या देख रहे हो, जाओ ना।
क्या कर रहे हैं? ये करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम जो करने की सोच रहे थे ना, गलत बात है। याद रखो, अपनी जिंदगी को खत्म करना इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप होता है। मैं चाह के भी अपनी जिंदगी नहीं जी पाया। एक बार माँ के बारे में सोच। ए, तेरे बगैर माँ का क्या होगा? किसका मुंह देख के जिएगी वो? क्या माँ ने तुझे यही सिखाया है? हाँ, क्या माँ ने तुझे इतना कमजोर बनाया है? एक बात गांठ बांध ले, अगर तूने कुछ भी गलत किया ना, तो समझो माँ गलत हो गई। जिस माँ ने हमें पाल पोस के इस लायक बनाया, उसे कभी गलत साबित होने मत देना, समझा ना? चल जा, जा। ए, तुमको मरने के लिए यही जगह मिली क्या? क्यों मरना चाहते हो बताओ? फेल हो गए तो फिर से पढ़ो ना, और अगर लड़की छोड़ के गई तो दूसरी लड़की ढूंढ ले, कोई गलती हुई तो सुधार ले, ऐसे मरने की क्या जरूरत है तुझे? रुक जा। मुझे क्यों मारा तुमने? मैंने क्या गलत किया है? मुझे जानना है तुमसे। पहले तुम यहाँ से निकलो। सच बताओ, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर रहा हूँ इस बात से नाराज हो ना, या फिर मैं अपनी भाभी के साथ शादी कर रहा हूँ इस बात से नाराज हो? तुम यहाँ से जाओगे या मैं पुलिस को फोन करूँ? मैंने क्या गलती की है ये जाने बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। मेरी माँ के अलावा सब कुछ तुमको ही पता है। अगर तुमको ऐसा लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है, तो बोल दो, मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊँगा। हेलो, मनोज नाम के लड़के को आप जानती हैं क्या? मनोज, इस नाम का यहाँ कोई नहीं रहता, मैं आपको कितनी बार बताऊं? बार बार फोन करके क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? हाँ, जेल में रखिए या अपने घर में रखिए, कोई मतलब नहीं मुझे, समझ गए आप? अब फोन कट कीजिए। यशोदा, 8 बजे तक हमें मंदिर पहुँचना है, शादी का मुहूर्त बहुत अच्छा है। ऐसा करो, तुम ये हार और सामान लेकर तुम राधा के साथ वहाँ जाओ, हम लोग भी आते हैं। हेलो हेलो, मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। मनोज नाम के लड़के ने तुम्हारे घर का नंबर दिया है, आप जानती हैं उसे? हाँ सर, जानती हूँ। ठीक है, कल रात से कॉल कर रहा हूँ पर कोई ठीक से बात नहीं कर रहा है, उसके खिलाफ कंप्लेंट हुई है। किस पुलिस स्टेशन में? हनुमत नगर पुलिस स्टेशन। राधा, राधा रुक जाओ। राधा, मनोज को वहीं रहने दो, उसको हरगिज घर पर मत लाना। अगर 4 दिन जेल में रहेगा ना, तब उसे अकल आएगी। मेरी बात सुनो तुम, अगर मेरी बात को बिना माने उसे घर लेकर आई ना, तो तुम्हारे पति की प्रॉपर्टी से तुम्हें कुछ नहीं दूंगी। राधा, राधा, राधा। माँ शांत हो जाओ, माँ मत रो, माँ माँ। चलो इधर बैठ जा, चले तू इधर आ। क्या नाम है तेरा? सचिन। चल साइन कर इधर, जा जाकर बैठ जा। चले तू इधर आ, अब तू इधर आ जा। नाम क्या है तेरा? मनोज। उम्र कितनी है? 22। पिता का नाम बोल। दयानंद। चल साइन कर इधर, है बहुत पढ़ लिया, चल अब साइन कर। मैंने जिंदगी में आज तक कभी चोरी नहीं की है, किसी लड़की के ऊपर कभी कोई अत्याचार नहीं किया है, और आप लोग किसी और का केस मेरे ऊपर लगा रहे हो, मैं साइन नहीं करूंगा। चुप कर। अबे मैंने कहा साइन कर यहाँ पर, चुपचाप साइन करेगा या रेप केस में अंदर करूँ? मैंने कोई गलती नहीं की है, मुझे जाने बिना आप मुझ पर गलत इल्जाम नहीं लगा सकते। सच जाने बिना आप गलती कर रहे हो। मुझे डरा रहा है तू? डरा रहा है तू मुझे? है? कौन है तू?
सर क्या हो रहा है? सर मुझे तुम जानते नहीं क्या क्या डरा रहा है सर। इसे अंदर लेकर आओ। चले तू आ जा। बैठो। सर मनोज कहाँ है? अंदर है मैडम। हेलो हेलो मैडम। प्लीज बैठिए मैडम। इसे क्यों अरेस्ट किया आप लोगों ने? क्यों इतना मारा है? तुम वो फाइल लेकर आओ। ओके सर। सर अंदर जो लड़का बैठा है सर ने उसकी फाइल मंगवाई है। हाँ ठीक है। क्या है ये? फटे कपड़े पहने लोग तुम्हें चोर लगते हैं? ये कौन है? तुम्हें ये पूछ लेना चाहिए था कि इनके मम्मी पापा कौन है और क्या करते हैं। बिना सोचे समझे इन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। इसीलिए मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूँ। सस्पेंड सर? सर प्लीज सर, सर प्लीज। मैं माफी मांगता हूँ मैडम। मैडम 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 प्लीज आप सर को कहिए प्लीज मैडम, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। प्लीज मैडम, इस महीने मुझे प्रमोशन मिलने वाला था सर। हमारी तरफ से जो भी आपको तकलीफ हुई है उसके लिए सॉरी मैडम। इस बात को यहीं खत्म कर दो, मैं घर आकर सर से बात करता हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारे ऊपर कंप्लेंट की गई है। उनके पापा से बात करने के बाद देखते हैं क्या होता है। बैठो। बताओगे तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? आप दूसरी शादी क्यों कर रही हैं भाभी? मैं हूं ना भाभी। कपट है तेरे मन में, सबक दूंगी मैं तुझको। माँ जी, राजेश्वरी माँ जी, लड़के वाले मंदिर में इंतजार कर रहे हैं आप लोगों का, और आप लोग अभी तक घर में ही हैं। क्या हुआ, राधा बिटिया तैयार नहीं हुई क्या? राधा जरा बाहर गई है, वो अभी आती ही होगी। उसके आने के बाद हम लोग निकलेंगे। समय क्या हो गया, वो तो देखिए। अरे रे, देखो माँ जी, ये लड़के वाले फोन कर करके मुझे परेशान किए जा रहे हैं। हेलो हेलो, आ रहे हैं आ रहे हैं, बस निकल रहे हैं, बस से आएंगे हम लोग। क्यों माँ जी ऐसे समय में उसको बाहर भेज दिया आपने? साथ में किसी को भेजना चाहिए था। छे चलो चलो। सुन, तू घर क्यों आया? हाँ घर क्यों आया तू? हाँ जाओ जाकर नहा लो, मैं कपड़े लेकर आती हूँ। राधा राधा क्या कर रही हो?
पापा छोटे पापा दरवाजा खोलो छोटे पापा। तू उसको छोटे पापा मत बोला कर, वो उस लायक बिल्कुल नहीं रहा। उस नालायक को छोटे पापा मत बोला कर। मम्मी मम्मी दादी, छोटे पापा को छोटे पापा मत बोलो बोल रही है, तो मैं उन्हें क्या बुलाऊं? मम्मी पापा कहकर बुलाऊं? पापा पापा दरवाजा खोलो पापा। पापा पापा। अरे ये किसने बोला तुझे ऐसे बोलने को, जो तू उसे पापा बोल रही है? मम्मी ने। राजेश्वरी क्या हुआ, बैठ जाओ, जल्दी से जाके पानी लेके आओ, जाओ जल्दी। राजेश्वरी क्या हुआ तुम्हें? ये पकड़ो। इतना सब कुछ होने के बाद इन दोनों को दूर करना सही नहीं है। ये दोनों एक ही घर में रहेंगे तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। इन दोनों की शादी करवा देते हैं, शादी होने के बाद ये अच्छे से रहेंगे। देखो हमारी बहू गुणवान है, सुशील है, दोनों बहुत अच्छे से रहेंगे। राजेश्वरी वो इस घर की तब भी बहू थी और अब भी बहू ही रहेगी। इन दोनों की शादी करवा ही देते हैं। माँ जी ये लड़के वाले बार बार फोन कर रहे हैं, मैं उनसे क्या कहूँ, आप ही बताइए, आप ही बोल दीजिए। पंडित जी हम मनोज की शादी राधा के साथ करेंगे, उन लोगों से कह दीजिए और कोई लड़की ढूंढ ले। हेलो भगवान, ये लोग अभी शादी नहीं करेंगे, आप लोग परेशान मत होइए, इनके यहाँ कोई समस्या आ गई है, मैं इससे भी सुंदर लड़की आपके बेटे के लिए ढूंढ दूंगा। माँ माँ जी, राजेश्वरी माँ जी, अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, मैं चलता हूँ। माँ जी रुकिए, सुनिए पैसे दीजिए। ये लीजिए माँ जी, रखिए, अच्छा मुहूर्त देख के बताइएगा और उस शादी के कार्ड वाले को बुलाइए। ठीक है ठीक है, अच्छे डिजाइन लाने को बोलिए। सच में आप एक देवी समान है माँ जी, अच्छा मुहूर्त देखकर मैं आपको बता दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है पंडित जी, नमस्ते, कल्याण हो। राधा मेरा बेटा ना समझ है, अगर इस नालायक से कोई गलती हुई तो तुम जरा प्यार से समझा देना, इसके दिल को दुखे मत करना। आओ मुन्नी, आओ आओ। हुँ? 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 माँ मा, मैं तुम्हारा बेटा हूँ माँ, मैं कभी गलत काम नहीं करूंगा, कभी मिसबिहेव नहीं करूंगा। मैंने तुम दोनों के लिए दूध रखा है, आज से मुन्नी मेरे साथ ही सोएगी। चलो मुन्नी, दादी तुम्हें कहानियां सुनाएंगी। तुम थोड़ा पीकर मुझे दे देना। पहले तुम आधा पियो फिर मुझे देना। मैं चाहता हूं कि तुम इसी घर में रहो, तो क्या ये गलत बात है? नहीं, जो तुम्हारा है और उसे तुम चाहते हो तो ये गलत नहीं है, लेकिन जो तुम्हारा नहीं है फिर भी तुम उसे चाहते हो तो फिर ये गलत होगा।